गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका रीडिंग कैंपेन चल रहा है, पठन अभियान चल रहा है, और उसमें आपके लिए डेली वर्कशीट्स आ रही हैं जो SCERT के द्वारा आपके लिए भेजी जा रही हैं। और आज की जो हमारी एक्टिविटी शीट है, ये 26 नंबर की है, और आज की जो डेट है, ये 17 फरवरी है। 6 to 8 क्लास के सभी बच्चों के लिए कॉमन है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने टीचर का नाम लिखना है, और आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो हिंदी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की कहानी। यहाँ पर एक कहानी दी गई है, इस कहानी को हमें पढ़ना है, और कहानी को पढ़ने के बाद इसमें से हमारे से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, हमें उन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। जो गिद्ध होते हैं उनका एक समूह रहता था, उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। और वो सब लोग क्या करते थे, सभी एक साथ उड़ते थे और एक साथ ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वो सब कहाँ पहुंच गए, टापू पे पहुंच गए। टापू क्या होता है, एक ऐसी जगह भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, उसको हम टापू बोलते हैं। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उस टापू पे बहुत सारी मछलियाँ थी और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा, और वो जो टापू था वो उनको बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी, क्योंकि उनको शिकार करने के लिए शिकार चाहिए था। तो वहाँ पर मछलियाँ और मेंढक भी मौजूद थे, तो उनको सारी खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी। तो वो बहुत खुश थे उस टापू पर। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे, और जो सारे उन गिद्धों का जो झुंड था वो उस टापू पर रहने लगा। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था, और उन्हें शिकार करने के लिए कहीं अपने शिकार के लिए उन्हें कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़ता था। एक ही जगह उन्हें सारी चीज़ें मिल रही थी। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करने और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। और वो सारे लोग जो सारे गिद्ध थे, बिना मेहनत के उन्हें वहीं पर मछली और मेंढक मिल रहे थे, भरपेट भोजन खाते थे, और उस टापू पर आलस में, क्योंकि अब उनको शिकार की खोज में इधर उधर जाना नहीं पड़ता था, मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, तो वो आलसी हो गए थे, आलस में जीवन जीने लगे। उसके बाद उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। उनके साथ एक बूढ़ा गिद्ध भी था जो सबसे उम्र में बड़ा था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी, और जो उसके साथी थे आलसी हो गए थे, उनकी कंडीशंस को देख के वो बहुत चिंतित रहने लगा। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता, उनको सावधान भी करता कि मित्रों, दोस्तों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, हमें दोबारा से शिकार के लिए इधर उधर उड़ना चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला भी मजबूत बना ही रख सकें, कि हम जो शिकार करने का जो काम करते हैं, शिकार करके अपना पेट भरते हैं, हम कहीं शिकार करना ना भूल जाएं। अगर ऐसे ही आलस करेंगे, यदि हम ऐसे ही आलसी बन के रहें, तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसीलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए, जहां हम पहले रहते थे, हमें वहीं पर वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे, और जो वो सबसे बड़ा बूढ़ा गिद्ध था, उसने जो उन सबको सलाह दी थी, वो सब उसकी सलाह को सुन के हंसने लगे। यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं, कि यहाँ पर हमें बिना किसी मेहनत के भोजन मिल रहा है, और फिर भी आप हमें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। एक वो जो बूढ़ा गिद्ध था वो जाने के लिए बोल रहा था, बाकी सभी ने वहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। बाकी सब यहीं रह गए, और वो जो बूढ़ा गिद्ध था वो वापस अकेला चला गया। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये अकेला चला गया, उस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उसे बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ जहाँ पर उसके सभी दोस्त थे, और वहाँ अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे उस टापू पर पहुँचा जहाँ पर वो अपने दोस्तों को छोड़ के गया था, वहां की दशा देखकर वह हैरान हो गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था, भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। उस टापू पर जो उसके दोस्त वहीं रह गए थे, वो सारे क्या थे, मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी।
सभी मरे हुए पड़े थे, तभी उस कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। फिर उसे एक घायल गिद्ध दिखाई दिया जो वहीं पर कोने में पड़ा हुआ था। वह उसके पास गया बूढ़ा गिद्ध और वहाँ की दशा के बारे में पूछा कि ये जो सब लोग मरे हुए हैं क्या हो गया यहाँ पर। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही स्टापुर पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। कि पहले तो हमने मेहनत करनी छोड़ दी और फिर जैसे जैसे समय बीतता धीरे धीरे जो मछलियाँ और मेंढक वहाँ पर थे वो सारे ख़त्म हो गए। तो वहाँ पर जो मेंढक और मछलियाँ थी वो सभी कम पड़ गए उनके लिए भोजन के लिए, अब वो भूखे रहने लगे। धीरे धीरे वहाँ भोजन समाप्त हो गया और जो खाना वो खाते थे मछलियों को और मेंढक को वो ख़त्म हो गया। चूँकि हम बहुत समय से ऊँचा उड़ान का अभ्यास नहीं रहा, काफ़ी टाइम से वो मेहनत नहीं कर रहे थे तो उन्हें उड़ना भी वो भूल गए, तो हम शिकार करना भी भूल गए, वो शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे और वो भूख से जब भूखे रहेंगे तो हम कितने दिन तक भूखे रह सकते, तो वो भूखे रहकर मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुन बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगल में चला गया और वो जो बूढ़ा गिद्ध था जो जंगल से आया था वो वापस अपने जंगल में चला गया। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इसी एक्टिविटी से, हमें उनको करना है। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखे तथा अभ्यास कीजिए। अब यहाँ पर जो शब्द आपको डिफिकल्ट लगते हैं पढ़ने में और जिनका अर्थ आपको समझ में नहीं आता, आपको क्या करना है, उन सभी को अपनी नोटबुक में लिखना है और अपने टीचर से पूछना है। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न का उत्तर है झुंड। झुंड क्या होता है? समूह होता है। टापू, टापू होता है भूमि का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, जैसे चारों तरफ पानी हो और बीच में एक जमीन होती है, उसको हम टापू बोलते हैं। चेतावनी देना, किसी को सावधान करना। भयावह, भयानक। निराश होना, दुखी होना। दशा, हालत। तो ये बेटा कुछ शब्द हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और भी आप शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगे, उनके अर्थ नहीं पता हो तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। उसके बाद इसमें प्रश्न नंबर 2 है, यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों के क्या उत्तर देता। कोई 3 सवाल बनाइए तथा उनका उत्तर भी लिखिए। अब आपको क्या करना है, 3 ऐसे सवाल बनाने हैं कि जो आप बूढ़े गिद्ध से पूछते और फिर बूढ़ा गिद्ध उनका क्या उत्तर देता। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, आपके पंख इतने बड़े क्यों होते हैं? हम उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर वो उत्तर में क्या देंगे, ये आंसर है आपका, ताकि हम ऊंची उड़ान भर सकें। जो इतने बड़े बड़े पंख हैं उनको ऊंचा उड़ने में उनकी मदद करते हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आप मृत जीव जंतुओं को क्यों खाते हो? जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं वो उन्हीं को ही क्यों खाते हैं? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, हम मृत जीव जंतुओं को इसलिए खाते हैं ताकि उनके सड़ने से बीमारियां ना फैलें। क्योंकि जब कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो उसके अंदर फिर कीड़े भी चलने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मृत जीव जंतुओं को खाते हैं ताकि उनके सड़ने से बीमारियां ना फैलें। उसके बाद तीसरा प्रश्न हम गिद्ध से पूछते, गिद्ध तो हमेशा झुंड में रहते हैं पर आपने अपने झुंड का साथ क्यों छोड़ दिया? तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होता, मैं उनके साथ रहता तो मैं भी उनकी तरह मारा जाता, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। क्योंकि सारे जो थे वो उन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया और वो भूखे मरने लगे। अब तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, बूढ़े गिद्ध की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में बताइए कि उसके जो बूढ़ा गिद्ध था वो क्यों अच्छा था, उसके अंदर क्या गुण थे। तो यहाँ पर वह बहुत समझदार था, वह बहुत दुखी था, वह बहुत अनुभवी था। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, इस कहानी से आपने क्या सीखा, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर बताना है, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमेशा मेहनत करके भोजन खाना चाहिए, अन्यथा हम आलसी हो जाते हैं और शीघ्र ही हमारा पतन हो जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।